हेलो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम क्या ऐसा लेडीज़ प्रिपेयर करें पहले से कि उनको नॉर्मल डिलीवरी होना इजी रहे मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग गायनाकोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन आगरा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे चैनल पे लेडीज़ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व हो जाएंगी वीडियोज़ बहुत सारे हैं तो उनको देखिए तो सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं एक बताऊंगी कि आपको वॉकिंग या फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है तो 45 से 40 मिनट तक आप वॉकिंग कीजिए इसके अलावा आप स्क्वैटिंग पोजीशन में इस तरह से बैठेंगे तो आपकी जो हिप की मसल्स हैं थाइज़ हैं ये सब स्ट्रॉन्ग होती हैं और लेबर के समय आपको पुश करने में ईजी होगा इसके अलावा अगर आप ज़मीन पर बैठें और अपना खाना पीना थोड़ा ज़मीन पे करें बार बार ज़मीन से आप उठेंगे तो आपकी नीचे की मसल्स लेग मसल्स स्ट्रांग होंगी दिन में दस बार करेंगे अगर और स्क्वाटिंग पोजीशन में आप बैठिए और इंडियन टॉयलेट्स जो हैं वेस्टर्न के कंपैरिजन में बहुत अच्छी रहती है अगर आप इंडियन टॉयलेट्स प्रेफ़र कीजिए उससे भी आपकी स्क्वैटिंग आ, होती रहेगी और आप अखबार या फिर कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो आप स्क्वैटिंग पोजीशन में डब्ल्यू बना के पढ़िए वो बहुत ही अच्छा होता है इसके अलावा आप आ, आ, ये सब कर सकते हैं बटरफ्लाई और वॉकिंग तो सबसे अच्छा है ही अगर कोई लेडी पहले से स्विमिंग करती है तो वो अभी भी कर सकती है लेकिन ये एक्सरसाइज आपको डॉक्टरी सलाह के अंडर में ही करनी है अगर आपको प्रेसेंटा प्रीविया या कोई हाई रिस्क कंडीशन है या हार्ट डिजीज़ वगैरह तो डॉक्टर आपको शायद बेड रेस्ट की कभी सलाह देंगे तो आप वो करिए लेकिन अगर आप टोटली फ़िज़िकली फ़िट हैं और सबसे अच्छा होगा कि आप प्रेगनेंसी से पहले अगर फिट रहेंगे तो आप अपना एक्सरसाइज शेड्यूल जो पहले करते थे वो आप उसको कर सकते हैं डॉक्टरी सलाह से तो पहले से शुरू से वॉकिंग और थाई मसल्स अपनी सही रखिए उसके अलावा स्ट्रेस मत लीजिए स्ट्रेस से बहुत फ़र्क पड़ता है और आपको स्लीप प्रॉपर लेनी है नींद बहुत सात से आठ घंटे की जिस समय आप लेबर पेंस में हैं उससे पहले भी अगर आप प्रॉपरली आपकी नींद होगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज लमैज टेक्निक डीप ब्रीदिंग करने से जो है हमें लेबर पेंस के समय दर्द भी कम महसूस होता है और हमें रिलैक्स रहेंगे और ब्रीदिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में भी है और वॉलेंट्री और इन दोनों है यानी कि ब्रीदिंग ऐसी है कि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं और वैसे वो साइमल्टेनियसली 24 घंटे चल भी रही है तो इससे जो है आपकी आप स्ट्रेस रिलीव करने में डीप ब्रीदिंग करने से दीद को होल्ड करने से उस समय आपको पुशिंग में भी हेल्प मिलेगी तो पंद्रह बीस मिनट अनलोम विलोम प्राणायाम और दूसरी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप करते रहिए योगा मेडिटेशन ये भी प्रेग्नेंसी में काम करने के लिए कूल करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है आ, उसके अलावा डेट पाम या पिंड खजूर या खजूर इनमें अभी ऑक्सीटोसिन नाम का तत्व रहता है तो 60 से 80 ग्राम तक भी आप मैक्सिमम ले सकते हैं अपने वेट के अकॉर्डिंग और आखिर के दिनों में छत्तीस हफ्ते के बाद यानी कि आठ महीने पूरे होने के बाद आप डेट पाम लीजिए तो ऑक्सीटोसिन बच्चेदानी के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर देगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तो उससे आपका यूट्रस जो है वो प्रपेयर हो जाएगा और इसके अलावा लेबर के समय भी आपको हाइड्रेटेड रहना है पानी ठीक से पीना है जिस समय आपके डिलीवरी के दर्द आ रहे होंगे क्योंकि ये पाया गया है कि जो लोग ठीक से पानी पीते हैं और जिनको ग्लूकोज की उस समय कमी नहीं रहती यानी कि उस समय वो बनाना या कोई खीर या कुछ एनर्जी का स्रोत खाते हैं तो उनकी डिलीवरी उनके कंपेरिजन में रिसर्च में पाया गया जल्दी हो जाती है जो प्रॉपरली जिनको पानी पीते रहते हैं बजाय उनके जिनको पानी की कमी रहती है तो ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर आपको ड्रिप भी लगा सकते हैं लेकिन वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है वो आपका देख के लगाएंगे लेकिन आप खाते पीते रहिए अगर कोई हाई रिस्क कंडीशन नहीं है जिसमें कि सिजेरियन होने की संभावना हो क्योंकि सिजेरियन का अगर होगा तो डॉक्टर खुद ही आपकी फीडिंग आ, कम करवा देंगे या मना करवा देंगे जिन पेशेंट्स को सिजेरियन के चांसेस होते हैं उसके अलावा डिलीवरी के समय भी अगर आप स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठें लेबर पेंस के समय तो वो अच्छा रहेगा क्योंकि ग्रेविटी के इफ़ेक्ट से या वॉक करते रहें बीच बीच में आ, बच्चा खिसकने में इजी होगा क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल करेगी और अगर आप अपराइट रहेंगे यानी कि पूरा लेटने की जगह अगर आपके सिर के नीचे दो तीन तकिए रहें सिर थोड़ा ऊँचा उठा रहे तब आप लिथॉटमी पोजिशन में पेंस लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और स्नैकिंग और बीच में खाते पीते रहना भी बहुत ठीक रहता है